सो हेलो गाइस, क्या हाल चाल है? स्वागत है सभी का एक और वीडियो में। आज अपन आ चुके हैं स्टेडियम में और ये वाले वीडियो में तुम्हें बहुत ज्यादा मजे आने वाले हैं। मतलब मैं बता रहा हूं, ऐसे सीन देखने को मिलेंगे ना, तुम लोग अपने घर में चिल्ला दोगे। यप, सही में मजाक नहीं कर रहा। हाँ, फिर भी ये वीडियो पॉपकॉर्न लेवल की तो नहीं है, बट स्टिल। ऊपर देखो, चार पांच बंदे उतर चुके थे और यहाँ पे शायद से दो टीम आई थी, क्योंकि माहौल ही कुछ ऐसा बन रखा था। जरा तुम एक बार सुनो। कितने सारे फुटस्टेप्स आ रहे थे। मैंने देखो इसके सात आठ गोली मार के छोड़ दिया। मुझे पता था 10-15 सेकंड में खुद ही फिनिश हो जाएगा, तो छोड़ते हैं। बस मेरा इस पीच किल चोरी ना हो जाए, नहीं तो मैं भाई बहुत ज़्यादा रिग्रेट होएगा मुझे कि मैंने क्यों उसका किल सिक्योर नहीं करा। अब मैं ऊपर की तरफ आया क्योंकि यहाँ कहीं भी ये देखो एक वगैरह चल रही थी। अब मैं कन्फ्यूज हो गया कि भाई ये इस छत के ऊपर है बिल्कुल या फिर नीचे की तरफ है, तो मैं अंदर की तरफ ही आ गया क्योंकि ऊपर छत पर तो बंदे थे नहीं। लेकिन यहाँ इस बंदे को नॉक करा। जल्द से मैं कवर में जाता हूँ क्योंकि उसका टीममेट भी था पीछे। और चलो ये तो फिनिश हुआ। और मैं बता रहा भाई, स्कॉर्पियन से बढ़िया ने ये क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, मतलब कि ये VSS भाई स्कॉर्पियन से ज़्यादा बेटर है इस गेम में। फिलहाल जो भी हो, मैं देखो वेट करता हूँ कि क्या ही बंदा रश करेगा, तभी बैंडेज लगा। तो लेकिन ये जा चुका था दूर, तो मैंने अब चिल करके बैंडेज लगाई। और तुम्हें पता ही है मैं बहुत आलसी हूँ भाई, मेरे को बैंडेज लगाना मतलब बहुत आलस का काम लगता है। ऊपर से ये बंदे और मर जाते, इसलिए मैं निकल देता थोड़ा बहुत ही हील करके। मैं उस तरफ आया लेकिन हाँ प्री फायर दिया मैंने, मतलब मुझे लगा बंदा उस तरफ ही, बट नहीं होता वो वहाँ पे। और ये देखो US आई है यहाँ पे, हो सकता है भाई बंदे किसी को लेने आए हो, कुछ भी हो। और ये बंदा गलत फंस गया भाई, बहुत ही ज्यादा गलत। चिकन डिनर से तो सिर्फ पेट भरेगा, विंसो पे खेल के जीते कैश रिवर्स और भरी अपनी जेबें भी। विंसो पे है 100 से भी ज्यादा गेम्स और कई सारे ई स्पोर्ट टूर्नामेंट्स। विंसो के फ्री बैटल ग्राउंड टूर्नामेंट ज्वाइन करो और जीतो हर गेम में कैश रिवर्स। यहाँ गेम हारने पर भी कैश जीतोगे। इतना ही नहीं, विंसो स्टोर से खरीदो गूगल प्ले कार्ड्स बेस्ट प्राइस में और कई सारे ब्रांड्स के वाउचर और सब्सक्रिप्शन एकदम एक्सक्लूसिव प्राइस पे। रोज खेल के विंसो पे पाओ फ्री गूगल प्ले कार्ड्स गिव अवे भी। दोस्तों, बैटल ग्राउंड्स का असली मजा तो विंसो के टूर्नामेंट से ही है, तो आज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से विंसो डाउनलोड करो और पाओ ₹50 का बोनस कैश बिल्कुल फ्री। और आप लोग विंसो का टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं गिव अवे और विंजो के अपडेट्स के लिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब पता नहीं है जो दो तीन बंदे मेरे पीछे पड़े थे साइड में जो थे, वो इनके ही टीम का बंदा था फिर क्या था, लेकिन मुझे इतना जरूर पता था कोई ना कोई उसको रिवाइव करने तो जरूर जाएगा। बट यहाँ स्टेडियम में भाई बिल्कुल हलचल ही नहीं होती। कोई नहीं, अभी इधर फोकस करते हैं। वो देखो कुछ बॉट वगैरह दिखे और यहाँ मैं जैसे ही आया भाई एक बंदा प्रोन हुआ। बाल बाल बचा भाई, ले लो पोदीना नाम था बंदे का। कोई बात नहीं, नाम से किसी को जज नहीं करने का, इसको मैंने पूरा फिनिश करना पड़ेगा लगता है। लेकिन मेरे पास एमो नहीं है, गलती से स्टेडियम वाले बंदों ने रश कर दिया। उप्स, वहाँ से एक बंदा कूदा, बट इससे पहले वो मेरे पे रश करने आए, इसको मार के मैं कुछ एमो वगैरह इकट्ठे करूँगा। लेकिन भाई दिल जले भाई कति। उल्टे सुलटे नाम रखे थे बंदों ने। फिलहाल इस वाले के पास आया पुदीना के पास और यहाँ से चलो मेरे को थोड़े बहुत 7 कैम मिल जाते हैं। दूसरी भी मेरे को एक उठानी चाहिए थी, लेकिन मैंने उठाई शॉर्ट गन, क्योंकि तुम्हें पता है शॉर्ट गन का ही जमाना है भाई। अपन एस्टल के नहीं उठा रहे, यही उठा लेते हैं। अब ये बंदे लोग देखो कतई फॉर्म में थे ना, देख रहे हो कतई टोपी चलाए जा रहे थे और मैं अभी फॉर्म में हूँ नहीं, मेरे को थोड़ा बहुत हीट कर लेना चाहिए ना। वो अलग बात है, मैं सिर्फ दो ही बैंडेज लगा के वापस से रश करने चला जाता हूँ। अब सोचो ना यार, ये बंदे निकल जाएंगे, मैं कतई उत्सुक था तो मैं सिर्फ आया। और सर आप लोग सुनो एक बार हल्का सा, ये देखो कोई ना कोई ऊपर चल रहा था और एकदम से नीचे कूद जाता है और फिर से कूदने की आवाज़ आती है, तो मुझे लगा शायद दोनों बंदे कूद गए और मैं रिस्क ले रहा हूँ, पर नहीं, एक बंदा सिर्फ ऊपर जंप कर रहा था, ये नीचे की तरफ जंप कर रहा था, समझ रहे हो। देखो इसका टीममेट अभी भी ऊपर है, तो मैं हल्का सा सुनेगा, अब सुनो है ना, बिल्कुल सही कह रहा हूँ ना, मैं हल्का वो मूव कर रहा था, मुझे लगा ग्रेनेड ना टॉस कर दे, पर नहीं, वो देखो वो दिख रहा है, उसका हेड दिख रहा है, ग्रेनेड मैंने टॉस करा और यार ये इससे उसको थोड़ा तो डैमेज जाना चाहिए था, हाँ ना, मतलब थोड़ा तो जाना चाहिए था यार, बट इट्स ओके। अब देखो मेरे को इसके क्रेड से ना DP चाहिए थी यार, क्योंकि मेरे को AKM की आवाज़ आजकल काफ़ी इरिटेट करती है। वो लोग बात है DP की भी बुलेट काफ़ी भारी सी आवाज़ है, लेकिन फिर भी मैंने देखो यहाँ पे स्मोक फेंका और बंदे के मुंह के सामने ड्रॉप लूटूंगा, इसलिए मैंने स्मोक फेंका। अब मुझे पता था कि मतलब देखो साफ उसकी क्रेड दिख रही है, बंदा इजिली एम कर सकता है और कुछ ऐसा ही हुआ। अब तुम कहोगे तेरे को पता ही था तो क्यों गया, मुझे लगा यार थोड़ा बहुत डैमेज जाएगा, पर वो बंदे ने ऑलमोस्ट खत्म कर ही दिया था मेरे को, मतलब 30% डैमेज दे दिया। कोई नहीं, अब इस बंदे की बारी है। फर्स्ट लगा कि जल्द से मैं अंदर की तरफ जाता हूँ और बिल्कुल टॉप पे निकलता हूँ।
मानना तो पड़ेगा भाई, ये टोम भी ना कसम से बहुत सारी असॉल्ट राइफल से बेटर है, क्योंकि भाई डैमेज ही गलत चाहता है। और देख रहे हो मेरे साथ हमेशा अनफेयर होता है, मेरे को चार चार पांच पांच शॉटगन मारनी पड़ती तब जाके बंदे मरते हैं, एक ओवर का डैमेज रजिस्टर नहीं होता तो मैं खत्म ही था भाई यहाँ पे। फिलहाल मैंने गाड़ी ली और मैं देखो थोड़ा सेंट्रल रोड के पास आया, लेफ्ट में एक यूएस दिखी, लेकिन अभी मैं इस घर के पास आया ना, क्योंकि यहाँ पर भी यूएस थी लेकिन कोई फुटस्टेप नहीं आया, तो मैं सामने वाली यूएस पर चल देता हूँ अगर आप लोगों ने स्पॉट करी हो तो। अब मैंने देखो एक बार मिनी मैप देखा, मिनी मैप क्या देखना, सामने देखो दिख तो रहा है लाल धुआं, ये पक्का ड्रॉप लूटने आए थे, तो मेरे पास बढ़िया मौका था, मैं यहाँ पे इजिली देखो रिज के कवर में गाड़ी रोक सकता और बंदे ड्रॉप लूट रहे भाई, कभी चीटियों की तरह चिपक चुके हैं। डीपी का स्प्रे क्या ही गया, यहाँ पे एम4 होती तो शायद मैं दोनों बंदों को एक साथ नॉक नहीं कर पाता। फिलहाल गाड़ी लेकर मैं उसी तरफ रश करता हूँ, मैंने देखा इनका जो तीसरा टीममेट था वो भाई गाड़ी लेकर ही निकल जाता है। यार मैं बता रहा है ऐसा ना टीममेट किसी को ना मिले, और जबकि उसको डरना नहीं चाहिए था, इसके टीममेट पर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन था, मैं दिखा था कौन सा। अगर तुम लोगों ने देखा हो तो इस बंदे के पास आरपीजी थी भाई, वो ड्रॉप कर देता और शायद ही बंदा मेरे को मार सकता था, लेकिन उसको भागना ही था, वो निकल जाता है। कोई नहीं, मैं अब देखो गाड़ी लेकर निकलता हूँ यहाँ से, और मैं जहाँ जा रहा हूँ ना वहाँ जाने की एक वजह है, यहाँ से कुछ गनशॉट्स की आवाज़ आ रही थी, तुम लोग अब सुनो। ओहो वो देखो सामने से एक गाड़ी आई और मैं सोचा फाइट हो रही, तो शायद ओ भाई मामला गर्म है, मामला गर्म है, मुझे लगा यहाँ पे दो टीम्स की फाइट हो रही, तो वापस से रिज पे रोक लेता हूँ गाड़ी पर। नहीं साहिल इस बार ये चीज़ें काम नहीं करती है, पूरी एक टीम थी यहाँ पे, कोई दूसरी टीम नहीं थी, पता नहीं क्यों गोली चलाते, शायद मुझे ही बुलाने के लिए। और मैं एक तरह से फंस भी चुका था, लेकिन मैं जल्दी समझ जाता हूँ इनकी स्ट्रैटेजी क्या थी, और मैंने फाइट बैक करा, एक को नॉक कर दे, फिनिश भी कर दिया। वो देखो शक्ल दिखा रहा है और वो ग्रेनेड टॉस कर रहा था, इसलिए मैं इस तरफ आ जाता हूँ, क्योंकि वहाँ से बोला ना मैंने कभी कभी ग्रेनेड आ जाता है भाई अंदर की तरफ। और मैंने देखा एक और बंदा ग्रेनेड टॉस कर रहा है, अगर आप लोग देख पा रहे हो तो, वो भी कुछ उठा रखा था उसने अपना हाथ, तो मुझे लगा भाई नेड ना आ जाए, इसलिए मैं सीढ़ियों में छुप जाता हूँ। और मैंने बैंडेड वगैरह लगाई और मैं यहाँ से टिपी पे लेता हूँ, और ये देखो मुझे पता था भाई इसको नॉक नहीं करा तो यार सीन क्रिएट हो जाएगा, प्रेशर बनाना पड़ेगा भले मैं मरी क्यों ना जाऊँ, क्योंकि अगर मैं देखो इस ये बंदा हील कर लेता तो ऊपर ये पूरे तीनों बंदे रश करने आ जाते दबदबा बनाने। बहुत बड़ा रिस्क लिया मैंने, बट कोई नहीं, नाम बनता है रिस्क से, फ्री में ड्यू का प्रमोशन कर रहा हूँ। फिलहाल वापस से मैंने ग्रेनेड टॉस करा और मुझे लगा उसका टीममेट पक्का वो देखो कूद चुका था, तो मुझे लगा उसके साथ वो भी नॉक हो जाएगा, पर वो नॉक तो नहीं हुआ, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा लो है इतना मुझे पता है। और ये भाई सब कुछ स्मोक वगैरह कर चुके थे, लेकिन भाई अब नहीं बच पाओगे। अब मैं समझ चुका था ये देखो स्मोक की तरफ आ चुका है, तो पक्का जो पीले आउटफिट में बंदा था, पीले आउटफिट में नहीं पीले वाले घर में, वो पक्का अकेला हो गया होगा, तो मैं उस तरफ निकल जाता हूँ, पोपट हो जाएगा बंदे का। पर मैन पोपट यहाँ पे मेरा आ चुका था, वो बंदा इसी घर में आ चुका था वापस अपने टीममेट के पास, पर कोई नहीं ना, फिर भी मैंने उसके टीममेट को नॉक कर दिया है। और कसम से इस टाइम पे मेरे को लग रहा था भाई मैच खत्म होएगा, पर मोली मान जाती है और मेरी ओवर हेल्थ कम नहीं होती, मैंने फर्स्ट एड लगाई और अब ये बंदा भी खत्म ही होने वाला जस्ट। और जरा कमेंट सेक्शन में बताना ये वाला क्लच आपको कैसा लगा भाई, मजे आ गए, इंग्लिश में 14 किल हो चुके थे, सब्सक्राइब कर सकते हैं आप लोग जरा से भी पसंद आया तो। अब मैं देखो गाड़ी लेकर वापस से बंदों की रिसर्च में निकल चुका था, जोन में तो बंदे थे नहीं, तो मैं जोन के बाहर की तरफ जाता हूँ कि हाँ भाई यहाँ कहीं हो, क्योंकि देखो मैं जोन के अंदर ही था, बेवकूफ नहीं हूँ जो इस तरफ आऊंगा। और मैं यहाँ पे आया, और भाई ये चार बंदे देख के दिमाग घूम गया, वैसे मेरी इच्छा रहती कि मुझे चार बंदे क्यों नहीं मिलते, मेरे साथ तीन बंदे तीन किल से रहते हैं, लेकिन भाई ये चार कती ओपन में थे, मैं गलती से गाड़ी रोकते ना जंगली नहीं, मतलब मैं बेवकूफ़ कहलाता, अब क्योंकि मैं जंगली हूँ तो भाई चार बंदों से घर के अंदर लड़ेंगे फिर कोई दिक्कत नहीं है, वो जंगली पना कहलाता है। तो मैं यहाँ पे आया और ग्रेट बंदे इस तरफ आ चुके थे, अब मैं जल्द से पहले तो कवर में गया और मैंने देखा बंदा वेयर हाउस में, देखा नहीं एक्चुअली सुना। और यहाँ पे शायद से कोई और टीम भी आ चुकी, और मैं समझ चुका था भाई इनमें से कुछ प्लेयर्स काफ़ी यू नो हार्ड वर्किंग है, मेरे पास भी शॉट गन है पर एसल के नहीं है भाई, ये मैं अभी भी कह सकता हूँ। और बस सच में ये मैच के बाद मेरे को लग रहा था कि यार मेरे को एसल के उठा लेने चाहिए। अब देखो ये बंदा मैंने देखा काफ़ी लो है, रश कर देना चाहिए मेरे को, और मैंने कुछ ऐसा ही करा, पर शिवम 22-22 सिर्फ एक गोली मारता है, और भाई साहब क्या ही स्किल प्रदर्शन यार, ऐसे प्लेयर्स पर प्राउड है मेरे को लिटरली, तुम्हें पता ही है मैं अंदर क्या बोलना चाह रहा हूँ। कोई बात नहीं, अब देखो ये वाला मैच में मैं था आयरलैंड पे, और एक टीममेट को मैंने साथ ले ही लिया, क्योंकि यार इन एसएल के वालों से नहीं बच सकता भाई मैं अकेले, बहुत ही कैडा नॉक करा और
बंदे उतरे जा रहे भाई। पीछे से वार किया इस बंदे पे कतई उड़ते हुए मैंने, और इसे मैंने फिनिश करा क्योंकि एक सेकेंडरी वेपन चाहिए और बहुत सारे एमोस भी। तुम्हें पता है यहाँ जब फाइट होती है तो भाई एमो की कमी पड़ जाती है। एक्चुअली जगह एमो की कमी पड़ती नहीं, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये था एमो खत्म हो जाते फिर भाई उनको ढूंढते डोलो यहाँ पे, है ना, इसलिए पहले से ही उठा लो भाई जल्द से जितना हो सके। फिलहाल एक टीममेट है, आई मीन उस आगे जो कोना है ना वहाँ से लेफ्ट साइड किसी ने मेरे को नॉक करा था, बट कोई नहीं, यहाँ से मेरे को रिवाइव सही टाइम पे मिल जाता है और उसके बाद मैं निकलता हूँ आगे की तरफ। मुझे लग रहा था यार फालतू में नॉक हो गया, सब कुछ शांति हो चुकी है। जरा आप लोग सुन सकते हो, पर शायद से आप लोगों को सामने की तरफ बंदे दिख चुके होंगे। देखो मेरा फालतू में शूट भी करा लेकिन बस मैं थोड़ा स्टेबल ही नहीं हो पाया, फालतू में कूद रहा था। जो भी हो, मैंने टीममेट को बोला भाई तू निकल पहले आगे और उसके बाद मैं एकदम सेंट्री लूंगा मस्त किल लेते हुए, समझ रहे हो, ये अपनी स्ट्रैटेजी थी। पर टीममेट तो भाई साहब बंदे ना पिट रहा है, ज्यादा सीरियसली ले गया टीममेट। उससे मैंने बस ये बोला था कि अंदर घुस के बस थोड़ी बहुत गोली चला जाइए, लेकिन भाई साहब थोड़े ओवर एक्साइटेड हो गए। कोई नहीं, इसको मैंने रिवाइव करना चाहा बट यहाँ पे एक और बंदा आता है, इनका तीसरा बंदा, और इस बंदे को पता था ये मरने वाला है, इसकी बस की होगी नहीं, तो इसने सोचा कि एक किल तो सिक्योर कर ही लेते हैं। अपना ही ब्रदर था ये, हमारे साथ भी ऐसा होता है बहुत बार। मैं देखो नदी क्रॉस करके जा रहा था, अब यहाँ पे देखना शॉटगन चलती है। अब देखो यार पक्का ये रियल प्लेयर था ना, नाम से पता चल रहा है भाई, उसका नाम पढ़ लिया था मैंने। अब पता नहीं भाई ये वही शॉटगन वाले का किल फीड में नाम आया था, फिर कोई और भी हो सकता है, कहीं मेरे साथ धोखा ना हो जाए। बट धोखा होगा तो क्या, बोट ही तो निकलेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। दोनों के दोनों रियल प्लेयर्स निकलते हैं, एक तो M16 चलाने वाले और दूसरे शॉटगन चलाने वाले, हमेशा अक्सर वोट ही लगते हैं। ओके पास जाके पता चलता है कि हाँ वो रियल है। अब देखो ये पीछे से दो रियल प्लेयर स्प्रे मारते हैं, दो बंदे तो भाई पक्का हो गए, मतलब यहाँ पे मेरे फिर से 9 किल ही होंगे क्या यार मेरे को। भाई हॉट ड्रॉप से जब 10 किल हो जाते हैं ना, तो मैं बता रहा हूँ वो मैच बहुत सही जाता है, लेकिन कोई नहीं। मैं स्की करके इस तरफ आया, डाशिया थी इसके अंदर गैराज के अंदर, तो वहां से मैं डाशिया पकड़ता हूँ, लेकिन उससे पहले। और भाई ये बंदा समझ नहीं आया, ये बंदा शायद से एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैं दूसरी तरफ उस शैक की तरफ, देख सकते हो वहीं पे देखे जा रहा था, और मैंने इसको चांस ही नहीं दिया भाई, सीधा हेड पे एम करा जो ही स्टेबल स्प्रे किया, क्या ही बताऊं। मैं जल्द से गाड़ी पकड़ता हूं और मैं इसी बंदे पे रश करने आया। मैंने देखा उसका टीममेट देखो दूर भाग रहा था, मैंने स्कोपिंग करा था तो उसका टीममेट बहुत दूर था, मैंने सोचा यार ऐसे टीममेट तो मैंने देखा नहीं आज पहले, लेकिन भाई साहब इसकी टीम थी। और मैंने सोचा कि एक बंदे ने रिवाइव कर दिया होगा, लेकिन भाई यहाँ पे माहौल गर्म है, ऊपर से मैंने मोली और फेंक दिया तो अल्ट्रा गर्म हो चुका है। तीन बंदे निकलते हैं यहाँ पे, कहाँ मैं एक एक्सपेक्ट कर रहा था, तो इनका जो चौथा बंदा है वो भाग गया, लेकिन फिर भी तीन बंदे भी यार मेरे जैसे को मारने के लिए बहुत है। अब मैंने यहाँ पे फर्स्ट लगाई, मैं चाहता तो रश कर सकता था, लेकिन मैं दो बंदों को भाई बिल्कुल ऊपर मैं नहीं संभाल सकता, तो मैंने फर्स्ट लगाई फटाफट, और मुझे डर था भाई ग्रेनेड वगैरह ना आ जाए, इसलिए अपनी पोजीशन थोड़ी सी चेंज करता रहता हूँ। और कुछ नहीं लेकिन ज्यादा, और ये हमारा मौके पे चौका, दो बंदे नॉक हो चुके हैं। अब एक बंदे को तो ईजीली संभाल लेंगे, और ये क्या है यार भाई हमेशा का, ये तीन ही किल मिलने मेरे को, इनका भी कहीं चौथा बंदा हो तो मैं शायद से संभाल लेता, लेकिन यही है चौथा बंदा अगर होता तो शायद मैं हार जाता यहाँ पे। कोई नहीं, 13-11 का स्कोर हो चुका था, जो कि कुछ देर बाद 12-11 हो चुका था, एक बंदा मर जाता है। अब मैं देखो गाड़ी लेकर इस तरफ आ चुका था अपार्टमेंट वाले एरिया में, यहाँ से पॉट फायरिंग हो रही थी लेकिन अचानक से भाई लड़ाई हो जाती है तगड़े वाली, और मैं अब आ चुका था मैं आ चुका था जंगली मोड में, और यार पता ही नहीं चला यहाँ से कि हाँ ये इतने सारे बंदे हैं एक साथ। मुझे पता था बहुत सारे हैं, पर इनकी जो लड़ाई हो रही थी ना, बस वही है ना, मैंने जल्दबाजी कर दी। ये मैच पे देखो मैं था ओल्ड पर्सन में, और अब तुम्हें कुछ ऐसे मैचेस देखने को मिलेंगे जो कि बहुत अच्छे जा रहे थे, लेकिन बस कुछ गलती के चलते वो मैं हार जाता हूँ। मतलब इतना ज़्यादा अच्छा बिल्डअप नहीं मिलेगा, मतलब इतने लंबे नहीं जाएंगे मैच। ओए डैमेज दिया उस बंदे को, लेकिन वो बच जाता है कुछ करके, कोई बात नहीं। इस तरफ भी कुछ बंदे हैं, जरा आप लोग सुनो।
टीपीपी ले रहा था भाई बंदा, आई मीन बंदी हो सकती है, मिस प्रिया नाम है, तो हो सकता है ऐसा हो। फिलहाल जो भी इसका क्रेट मैंने जल्द से लूटा, दोनों मेरे पास एसएमजी थी। और ये महान एक्टर भाई साहब बोट फायर देखे, इसको लग रहा है कि मैं उसके पास रश करने आ जाऊंगा, ऐसा होगा। लेकिन यार बोट फायर देने की जरूरत नहीं है, मैं वैसे भी आ जाऊंगा अगर तुम गोली चला दोगे तो। और ये देखो मेरे जस्ट साइड में बंदा था भाई, ये रहा। इसको मैंने फिनिश इसलिए कर दिया क्योंकि हर जगह से पड़ रही थी, तो मतलब दो टीम तो है यहाँ पे, मतलब दो टीम मतलब आठ बंदे तो नहीं है, ऐसा है दो बंदे एक टीम के, दो बंदे एक टीम के, समझ रहे। बैंडेज जल्द से मैंने लगाई और अब मेरे को जाना था अपने फेवरेट वाले घर की तरफ, क्योंकि वहां से कुछ बंदे स्कारल और पीपी फाइजन चला रहे थे, दो बंदे पक्का उधर भी हैं। अब मैंने देखो थोड़ी देर पहले बताया था कि यहाँ पे दो बंदे, एक पीपी भाईजान चला रहा था तो एक स्कारा चला था, एक साथ चला रहा था, तो भाई दो बंदे तो हो रहे थे, लेकिन फुटस्टेप सिर्फ एक ही बंदे का आता है। तो मैं मोलीटोस करता हुआ जाता हूँ और मैंने सोचा क्यों फालतू इतनी वो लेनी, एक मोली फेंक कर जलाते हैं और फिर इजिली एआर से मार देंगे। और बिल्कुल सही हुआ, बंदा जल जाता लेकिन ज्यादा देर तक जलता नहीं भाई, एकदम से जैसे ही पड़ी एक सेकंड का डैमेज लेके वो निकल लेता है यहाँ से, तो वो लो तो होगा लेकिन इतना भी नहीं, मेरे को थोड़ी बहुत गन फाइट करनी पड़ी। कि अब वो अंदर की तरफ जा चुका था और थोड़ी गोली मारनी पड़ी। अब मैं वो देखो सामने की तरफ इसका टीममेट आता है और बंदे ने काफी ज्यादा डैमेज दे दिया, लेकिन थारा भाई जोगी अंदर ने जो ही ड्रॉप शॉट दिया यहाँ पे, बताना तुम्हें कैसा लगा, बताने की जरूरत नहीं है, सीधा सब्सक्राइब कर देना जो भी सीन तुम्हें अच्छा लगे। फिलहाल मैं देखो निकल चुका था, मुझे लगा बस इतने बंदे थे, पर जो लगता है वो होता नहीं। मैं जल से अंदर की तरफ आया, एक मैंने रिलोड क्या बोल रहा हूँ रिलोडेड थी, और मैंने देखा सामने कुछ दिख रहा है मेरे को। एक बार के लिए मुझे लगा बंदा तो प्रोन नहीं है, पर नहीं वो बाइक थी, बाइक की स्किन आजकल काफी एडवांस ही आ रखी है ना, पर कोई बात नहीं। अब देखो यहाँ से फुटस्टेप आए, सुनो है ना, बिल्कुल फुटस्टेप क्लियर आ रहे थे, और ये बंदा कूद जाता है, देखना ये कहाँ जाता है, आप लोग समझ गए अच्छी तरह, स्क्वाडर्स की तरफ निकल जाता है। तो मैंने भी सोचा था कि ठीक है स्क्वाडर्स की तरफ चलते हैं, एक बंदा लेफ्ट साइड है और वो यहाँ तक आएगा, इतने मैं इसको मार दूंगा। अब देखो ये बंदा मतलब जिसको मैंने अभी नॉक करा वो नंगा पुंगा नहीं था, आई मीन जो बंदा मैंने यहाँ पे जाता देखा था वो थोड़ा नंगा पुंगा था, उस पास आउटफिट नहीं थी, लेकिन इस पास बढ़िया सी आउटफिट थी, मतलब दो बंदे हैं और कुछ ऐसा ही हुआ। कुछ ऐसा ही नहीं, कुछ ऐसे से भी बहुत ज्यादा हो गया भाई, तीन बंदे निकले यार, किस एंगल से तीन बंदे, जब मैंने रश करा तब तो लग ही नहीं रहा था तीन बंदे हैं ऊपर, एक बंदा भाई बता रहा कट्टर कैंप कर रहा था, फुटस्टेप ही नहीं दे रहा था, पक्के प्लान करूंगे भाई छुपे रहना, जैसे आएगा शुरू हो जाएंगे। जो भी हो ये मैच में आया था ओल्ड पैसन में, थोड़ी बहुत यहाँ से लूट वगैरह मैंने इकट्ठा कर ली, और मेरे को देखो शॉट गन चलानी थी, मैंने सोचा था भाई शॉट गन तो चलाऊंगा ही, एसएल के नहीं चला रहे बट S1897 तो चला ही सकते हैं ना। अब देखना सामने वाले घर में एक बंदा था तो मैंने ग्रेनेड टॉस करा, अब देखो तुम्हें लग रहा होगा ये बंदा पक्का इस ग्रेनेड से खत्म हो जाएगा है ना, पर इस हेड में बाहर की तरफ निकल आता है, इसको देखो थोड़ा डैमेज जा चुका था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको ग्रेनेड से खत्म करते हैं, पर टीममेट की जय भाई साहब इतना स्ट्रगल कर रहे हैं हम यहाँ पे यार, बंदे ने छोड़ो मैं क्या ही बताऊं। फिलहाल सामने की तरफ पहला नॉक निकलता है, बहुत ही अच्छा, मुझे लगा टीपी वाला इसका टीममेट होगा, अब ना भी हो जो भी हो इतना पता था, वो पीछे की तरफ जो ब्लू वाला घर है ना उस तरफ है, अभी के लिए इसको फिनिश करेंगे, लेकिन ऊपर इसका एक टीममेट इसको रिवाइव करने जा चुका है। बट अब ये लोग पहुंचते हैं लोबी में, जो भी हो दो किल मेरे को मिल जाता है, डीपी वाला बंदा था मुझे पता है, लेकिन इसको मेरा टीममेट मार देता है तो वो अपन नहीं दिखाएगा। मैं गाड़ी लेकर आया सिंह डेल्टा के पास, क्योंकि देखो यहां पर देखा ना मेरे मैप में, वो देखो आपको एक ड्रॉप दिख गया होगा, ड्रॉप था इसलिए मैं वही लूटने जा रहा था, पर ऊपर इस पहाड़ की तरफ से आते पीपी भाईजान की आवाज़ यूएसबी मुझे दिख चुकी थी, तो भाई पहले तो मुझे लगा ये है, पर नहीं वो बोट होता है। अब इस बोट को जरा याद रखना ठीक है, इसके पास रेड टी शर्ट थी और एक यू नो हेलमेट भी था लेवल एक का, नहीं था शायद से, लेकिन देख लो बोट को याद रखना मैं बता रहा हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होगी। फिलहाल और छोरे लगा नहीं था भाई बंदे मर जाएंगे, पर डीपी की लास्ट बुलेट तक स्प्रे मारा मैंने और लास्ट बुलेट पे बंदा नॉक हुआ है, पिछली बार भी होता है, मैं पिछले से पिछले गेम प्ले में। फिलहाल गाड़ी लेकर मैं उसी तरफ रश कर देता हूँ, वहां से इसके टीममेट मारने का ट्राई तो करते हैं, पर नहीं बनती बात। अब देखना यहाँ पे मेरी गाड़ी थोड़ी अनस्टेबल हो चुकी थी और अनस्टेबल होते होते ही बंदा फिनिश जाता है, गलत ही सीन हुआ। अब देखो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोट के बारे में बताया था, ये देखो भाई साहब बोट का माउंट एवरेस्ट चढ़ चुका है, marked a location.
एकदम से मैं आउट ऑफ एमो हो चुका था। मैंने देखो इसको इतना लूक कर दिया है कि मैं स्की करके इसके मुंह पे जाके शॉटगन भी चला देता ना तो भी वो बंदा नॉक हो जाता। पर भाई अब तो कहानी बहुत आगे आ चुकी है, आरपीजी वाला बंदा हमारे पीछे पड़ चुका था, उसकी दो बुलेट्स वेस्ट हो चुके हैं। बट स्टिल भाई साहब आरपीजी गलत ही हो गया भाई इस बंदे के साथ। अब देखो यार सही इसको मैंने फिनिश कर दिया, पर यहाँ पर अपना भी अंत हो जाता है। लेकिन कोई नहीं, मेरे को कोई दुख नहीं था, मैंने बस उस आरपीजी वाले बंदे को पूरा फिनिश कर दिया, इस चीज़ की मेरी खुशी थी, मजे आ गए। जो भी हो यार तुम्हें होप सो वीडियो पसंद आएगी, जरा सा भी मजा आता तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मैं आप लोगों से कल मिलता हूँ, गुड बाय।